अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 सितंबर की रात 2:30 बजे जो आदिल के ऊपर जो जुल्माना अटैक किया गया है, जो जाहिलाना जो तरीक़े से मारा गया है उनको कमिश्नर की तरफ से, उसके लिए मैं कंडम करती हूँ इस कमिश्नर के जो स्टेप लिया है उन्होंने। और हमारे घर पे आज सब जमा हुए हैं, हम सब मिलकर एक कंप्लेन देंगे उसके खिलाफ, क्योंकि सारा दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी कोई आए नहीं कंप्लेन लेने के लिए। और हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देंगे, उसके बाद कल जो प्रोटेस्ट करेंगे मुस्लिम चौक से लेके आईजी ऑफिस तक, सब वॉक करके आएंगे पदयात्रा की तरह आके, खामोशी से हम लोग आके एहतजाज कर आईजी को हम लोग मेमोरेंडम देंगे। और मैं तमाम से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जिस तरह से 2 दिन से सब्र किए हैं, इस सब्र का आपका सब्र ख़त्म हो चुका है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने लोगों को लेके आइए मुस्लिम चौक पे, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आइंदा ऐसा कोई हरकत ना करे पुलिस। शुक्रिया। हमला हुआ है आदिल के ऊपर, कमिश्नर जो हमला किए हैं इसके खिलाफ में हॉस्पिटल में जाके जो MLC किए थे, उसके बावजूद कोई पुलिस स्टेशन को इंटीमेशन जाने के बावजूद वो लोग आके यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिए हैं। और इसलिए हम आज पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे कंप्लेंट देने वाले हैं। उसके अलावा कल के दिन सुबह 10:30 बजे मुस्लिम चौक से लेकर IG ऑफिस तक एक प्रोसेशन होगा और एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ बेंगलोर में DG को मिलके और होम मिनिस्टर को मिलके भी एक कंप्लेंट लेटर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप लोग तमाम लोग जानते हैं, आदिल सुलेमान सेठ के लिए पर जो हमला किया गया था, वो इलेक्शन को जो है पोलिंग को मद्देनज़र रखते हुए गुलबर्गा में अमन कायम करते हुए तमाम कांग्रेस पार्टी ने सब्र किया। और जो है आज जो है एक मशहूर इजलास जो है मैडम करीम फातिमा साहब के घर में रखा गया, उसमें यह तय पाया गया है कि इंशाल्लाह अभी जो है शाम में जो है एक कंप्लेंट होगी पुलिस स्टेशन में ब्रह्मपुर में, और उसके बाद कल सुबह में 5 तारीख को संडे के दिन सुबह 10:30 बजे आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो तो सब लोग जो है मुस्लिम चौक पे जमा हो, तमाम जितने भी वार्ड हैं गुलबर्गा के 55 वार्ड हैं, जो भी कांग्रेस वर्कर्स हैं, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं, वो पूरे जो है 10:30 बजे मुस्लिम चौक पे जमा हो, वहाँ से प्रोसेशन लेकर जो है IG ऑफिस को जाके एहतजाज करके उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। मैं फिर एक बार अवामुन्ना से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो जुल्म हुआ है आदिल सुलेमान सेठ के ऊपर, ये पूरी इंसानियत के ऊपर जुल्म है, इसके खिलाफ हमको इंक्वायरी बिठाना पड़ेगा, इसके लिए एहतजाज करना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब अर्ज है। आदिल सुलेमान सेठ पे जो पुलिस कमिश्नर जो हमला किए हैं वो बहुत ही गैर कानूनी हमला किए हैं, क्योंकि आदिल सुलेमान सेठ के साथ और भी 2 आदमी टारगेट आदिल सुलेमान सेठ को बना के मारे गए हैं, और दूसरे दीगर 3-4 आदमी का भी नाम था इसमें। पुलिस कमिश्नर एक IPS ऑफिसर है जो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि वो मैं अभी तक किसी को राउंडिंग पे मारा नहीं, ऐसा इंसिडेंट ही नहीं हुआ, इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। तो तमाम कर्नाटक की हुकूमत भी इसमें गौर फिक्र करना चाहिए कि कल के रोज़ वो किसी को भी मार के मैं था ही नहीं बोलूँगा। वो तो पढ़े लिखे आदमी भी जब झूठ बोलना चालू कर रहे हैं तो आम आदमी क्या करेंगे। आज एक आदमी को मारे हैं, कल हर किसी को मारना चालू करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ पब्लिक के सर्वेंट है, मारने के लिए नहीं है पुलिस सर्वेंट। तो तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के हर लीडर से, बड़े लीडर हो कार्यकर्ता हो, कल मुस्लिम चौक पे आइए और एक प्रोटेस्ट बताएंगे पुलिस क्या होती है और आवाम क्या होती है, वो कल बताने आए, वो सबूत देना है आपको। यहाँ इस बात के लिए मैं तमाम लोगों को अपील करता हूँ कि सभी लोग आना है मुस्लिम चौक से और प्रोटेस्ट में शामिल होना है। 10:30 बजे मुस्लिम चौक से IG ऑफिस को जाना है, 5 तारीख संडे के दिन सुबह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल सुलेमान सेठ पे 2 रात पहले जो बेरहमी से, बेदर्दी से, जालिमाना और जुल्माना तरीक़े से जो मारा गया था, उसके बाद तमाम
खमरुल इस्लाम के चाहने वाले कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स बेचैन थे और सबने सब्र का मुजाहरा किया कि कल 10:30 तक हम लोग मुस्लिम चौक पर जमा होंगे और वहाँ से आईजी साहब के पास जाएंगे और इसकी परजोर मजम्मत करते हुए हम हमारा मेमोरेंडम उनको देंगे और हम यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी लड़ने का फैसला लिए हैं। मैं तमाम चाहने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि कल 10:30 तक आप लोग मुस्लिम चौक आइए, वहाँ से एक पीसफुल रैली की शक्ल में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा, शरण प्रकाश पाटिल साहब और दीगर ऑफिस बेयरर्स की साथ हम लोग इस रैली को आईजी तक लेके जाएंगे और आईजी साहब को हमारा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। और गुलबर्गा के लोगों से अपील करता हूँ कि वो शहर का इत्तेहाद और शहर का पीस रखने के लिए कल ये एहतजाज में आप शामिल हो। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट डीसी मैडम और जो आईजी साहब और होम मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्पीड एक्शन लें इसके ऊपर, शहर का माहौल पीस रखने के लिए और हमारी इंडिया के डेमोक्रेसी बचाने के लिए। एक बार मैं गुलबर्गे के आवाम से अपील करता हूँ कि कल 10:30-11 बजे हमारे प्रोटेस्ट में आप शामिल हो और गुलबर्गे का इत्तेहाद को बताने के लिए आप हमारे पास ज्वाइन हो जाइए।